तो जैसे एब्सोल्यूट वीड होता है रिलेटिव वीड होता है वॉल्टियर वीड होते हैं रोगियो वीड होते हैं ऑब्जेक्शनेबल वीड होते हैं नॉक्सियस वीड होते हैं निमिक्री वीड होते हैं एंड सेटेलाइट वीड होते हैं ये है ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिविटी ऑफ द वीड इस तरह से इसको क्लासीफाई किया गया है अब अब एब्सोल्यूट वीड किसे बोलते हैं जिनका कोई इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस नहीं है वो ऑलवेज दे आर वीडी इन नेचर उनको बोलते हैं हम एब्सोल्यूट वीड जैसे कि सह प्रसिस्पसीज है अर्जिमैन मैक्सिकाना है ये आपके एब्सोल्यूट वीट हैं और रिलेटिव वीट जैसे क्या है कि अगर मैं एक तरह से बात करूं कि ये समटाइम दे आर द इकोनॉमिकल बट बिकॉज ऑफ मेन क्रॉप में ये बाय डिफॉल्ट आ जाते हैं जैसे हम एग्जांपल बार्ले अगर वीट के फील्ड में है तो बार्ले क्या है एक तरह आपके रिलेटिव वीट है बिकॉज ऑफ इसका प्लेस ऑफ अकरेंस जो कि है वो नहीं डिजायरेबल है बट दैट इज़ आल्सो इकोनॉमिकल प्लांट ओके ना सो दैट इज रिलेटिव वीट, बिकॉज ऑफ द इट्स प्रेजेंस, ये वीट के फील्ड में है इसलिए इसको हम रिलेटिव वीट बोलते हैं वॉल्टियर वीट जो है, उनको ऐसे जैसे कि प्रीवियस ट्रॉप लगी थी आपके फील्ड में और उसका सीट गिर गया, वो जर्मिनेट कर गया तो उसको हम बोलते हैं क्या हम वॉल्टियर वीट ठीक है जैसे अगर हम वीट ग्रो किए हुए हैं और राइस मान लीजिए आपने तो उससे पहले लगाए थे तो उसके सीडे जो सैड हो गए अगर वो जर्मिनेट कर गया तो उसको हम वॉलेंटियर वीट बोलते हैं अब जैसे रोग्यू वीड है जैसे मान लो कि सेम क्रॉप है और उसमें डिफरेंट वरायटी ग्रो करे जैसे एच टू नाइन सिक्स सेवन है वीट की वरायटी है उसमें सी थ्री नॉट सिक्स वरायटी आ गई तो उसको हम क्या बोलते हैं रोग्यू वीट बोलते हैं ठीक है क्योंकि वो सेम वाइटी नहीं है लेकिन सेम क्रॉप तो है ना लेकिन वो सेम वैरायटी ना होने की वजह से उसको रोग्यू वीड्स बोलते हैं उसके लिए उसको निकालना जरूरी होता है और कभी कभी सीड बॉर्न जो डिजीजेज़ हैं जैसे कि आपका लूज स्मट ऑफ वीट है आपका करनाल बंट है अगर ये भी आ, सेम वैरायटी है बट ये सीड बॉर्न है तो ऐसे वीट को भी ऐसे प्लांट को भी रोग्यू प्लांट बोलते हैं इनको निकालना बहुत जरूरी होता है क्योंकि ये नेक्स्ट जो सीजन में आ, कंटामिनेट हो जाएंगे तो डिम इनका जो प्रोपोगेशन ज़्यादा हो जाएगा अगर ये कैरी ऑन हो गए तो ठीक है इनको वीड बोलते हैं अब जैसे ऑब्जेक्शनेबल तो टफ, टफ है इनको सेपरेट कर पाना मेन क्रॉप से जैसे अर्जिमोन मैक्सिकाना की हम बात करें तो अगर ये मस्टर्ड में इसका सीड मिक्स हो गया तो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे इनके सीड में मस्टर्ड के सीड में और अर्जिमन मैक्सिकाना के सीड में तो ये ऑब्जेक्शनेबल वीड के एक तरह से एग्जाम्पल है वाइल्ड ओट जो है अगर ओट में मिल गया तो मुश्किल है आपको निकाल पाना जैसे चिकोरियम इंटाइबस है चिकोरी अगर ये बर्सीम के सीड में मिक्स हो गया तो आप नहीं निकल पाओगे क्योंकि इनका बहुत ही सिमिलर होते हैं रिजम्बलेंस बहुत सिमिलर है अब हम नॉक्सियस नॉक्सियसवीट की बात कर ले तो ये अनडिजायरेबल ट्रवल्सम एंड डिफिकल्ट टू कंट्रोल ये तीनों अगर कैरेक्टर्स हैं तो नॉक्सियस नॉक्सियसवीट बोलते हैं जैसे है साइप्रसडोन डेक्टिलॉन है पार्थेनियम स्पीज लेंटाना है ये सब क्या है नॉक्सियस नॉक्सियसवीट है अनडिजायरेबल ट्रवल्सम एंड डिफिकल्ट है इनको कंट्रोल करना होते नहीं कंट्रोल नहीं होते ये अगर ये तीनों है तो इसको नॉक्सियस वीट की एग्जाम्पल बोलते हैं मिमिक्री वीट्स मीन्स दोज वीट जिनकी जो मार्फोलॉजी है फिनोलॉजी है सिमिलर होती है मेन क्राफ्ट का और इनको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे ये सेम उसी की तरह दिखेंगे जैसे फेद्रिक्स माइंग्र और वीट में अर्ली स्टेज बहुत रिजेंबलेंस होती है बहुत डिफिकल्ट है इसको सेपरेट कर पाना तो ऐसे वीट को हम निमिक्री वीट बोलते हैं इकाइनोक्लोवाइस्पेसीज है राइस में होता है आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे जब तक इसमें रिप्रोडक्टिव स्टेज में नहीं जाता है तो सेटेलाइट वीट हैं ऐसे वीड हैं जो कि मैच्योर सेम हाइट पे होंगे सेम टाइम पे होंगे तो मेन क्राफ्ट के साथ जैसा इनका बहुत रिजेम्बलेंस होता है सेम टाइम पर इनका मैच्योरिटी आती है इसलिए इनके सीड को अगर एक बार हार्वेस्ट कर लिए तो डिफ़िकल्ट है इनको निकाल पाना तो जैसे कि एग्जाम्पल की बात करूँ बार्ले में अगर वाइल्ड ओट है तो उसकी सेम टाइम पे इसकी भी मैच्योरिटी होती है तो ये इनको बोलते हैं हम सैटेलाइट वीट ठीक है तो ये सब थे जो कि क्लासिफिकेशन थे वीड के डिफरेंट ऑन द बेस मैंने इसको ट्राई किया आप लोगों को समझाने की और कोशिश किया इसको एक्सप्लेन करने की वीडियो कैसी थी इसको कमेंट करके आप बता सकते हैं और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए अगर आप न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं